हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैटर्न इन टेंथ हाउस, शनि आपकी कुंडली के दसवें घर में या दसवें भाव में होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों, मैं अक्सर देखता हूं और अक्सर ये कहता हूं कि लोग प्रेडिक्शन स्टार्ट कर देते हैं यह कहकर कि कोई ग्रह किसी घर में होगा तो ये फल देगा या वो फल देगा। दोस्तों, एक्चुअली पूरी तरह सही नहीं होता है, क्योंकि आप खुद की कुंडली देखिएगा या किसी और की भी कुंडली देखिएगा, कोई भी ग्रह किसी घर में किसी न किसी नंबर के साथ होता है। दोस्तों, नंबर राशियाँ होती है और उस राशि का भी उस ग्रह पर या उस घर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैटर्न इन टेंथ हाउस, शनि आपकी कुंडली के दसवें घर में एक से लेकर 12 नंबर या फिर मेष से लेकर मीन राशि के साथ होंगे तो क्या फल देंगे। ठीक है, साथ साथ दोस्तों एक बात और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप अपनी कुंडली खुद पढ़ना चाहते हैं बिना किसी की मदद के, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाकर आप एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष सीख सकते हैं, जहाँ पर समय समय पर वीडियोज अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने राशिफल भी जानना चाहते हैं, यदि आप एस्ट्रोलॉजी के अपडेट जानना चाहते हैं, तो भी प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शनि की तीन दृष्टियां होती हैं, तीसरी, सातवीं और दसवीं। यदि आप जानना चाहते हैं कि दृष्टियां क्या होती है, तो मैं एक बार फिर कहूंगा कि इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, फर्स्ट टू वीडियोस देखें, आपको एक बेसिक जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, जब शनि दसवें घर में एक नंबर के साथ होते हैं या मेष राशि के साथ होते हैं, तो ये कर्क लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर शनि नीच के माने जाते हैं। जब शनि दसवें घर में होंगे तो व्यक्ति का जो नौकरी या व्यवसाय है, यदि व्यक्ति व्यवसाय करता है, तो शनि की महादशा अंतर्दशा में या तो व्यवसाय सेटल नहीं हो पाता या व्यवसाय सेटल होने में डिले होता जाता है। नौकरी यदि व्यक्ति करता है तो नौकरी में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी चलती रहती है, या नौकरी करना चाहता है तो नौकरी लगने में डिले होता है। जब शनि अपनी दृष्टि बारहवें भाव में डालते हैं तो फिजूल के व्यय व्यक्ति के बढ़ते जाते हैं और फिजूल की यात्राएं व्यक्ति की होती रहती है शनि की महादशा अंतर्दशा में। जब शनि अपनी दृष्टि चौथे घर में डालते हैं, जो कि माता, भूमि, गाड़ी, वाहन का भाव होता है, तो शनि यहाँ पर भी नेगेटिव इफेक्ट करते हैं। माता से या तो व्यक्ति के संबंध बिगड़ते हैं, माता का स्वास्थ्य खराब रहता है। व्यक्ति यदि भूमि, वाहन खरीदना चाहता है, यदि मकान बनाना चाहता है शनि की महादशा अंतर्दशा में, तो वो डिले होता जाता है या फिर नहीं बन पाता। जब शनि अपनी दृष्टि सातवें घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। व्यक्ति यदि पार्टनरशिप में, यदि व्यवसाय करता है और पार्टनरशिप में है, तो पार्टनरशिप से भी उसको उतना लाभ नहीं मिल पाता। और व्यक्ति यदि शादीशुदा है तो जीवन साथी के संबंध में भी व्यक्ति को एक अच्छे परिणाम नहीं मिलते। जीवन साथी से भी कुछ ना कुछ खटपट चलती रहती शनि की महादशा या अंतरदशा में। यदि व्यक्ति विवाह के लायक है, विवाह का इच्छुक है, तो भी व्यक्ति को डिले होता जाता है शनि की महादशा या अंतरदशा में। दोस्तों, जब शनि दसवें घर में दो नंबर या वृषभ राशि के साथ होते हैं, तो ये सिंह लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर भी शनि बिल्कुल भी अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। सेम वैसे का वैसे ही प्रभाव देते हैं जो कि एक नंबर या मेष राशि के साथ जब शनि होते हैं इस घर में, तो जब प्रभाव देते हैं वही प्रभाव यहाँ पर भी दो नंबर के साथ या वृषभ राशि के साथ मिलता है। व्यक्ति का व्यवसाय सेटल नहीं हो पाता, नौकरी में कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी चलती है। जब शनि अपनी दृष्टि बारहवें घर में डालते हैं तो व्यर्थ की फिजूल की यात्राएं, फिजूल के व्यय बढ़ते जाते हैं। जब शनि अपनी दृष्टि चौथे घर में डालते हैं तो माता से प्रॉब्लम, भूमि, वाहन, मकान संबंधी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब शनि अपनी दृष्टि सातवें घर में डालते हैं तो जीवन साथी के संबंध में प्रॉब्लम, पार्टनरशिप से प्रॉब्लम, यदि व्यक्ति विवाह का इच्छुक है तो विवाह में डिले होता जाता है। दूसरे, जब शनि दसवें घर में तीन नंबर या मिथुन राशि के साथ होते हैं, तो ये कन्या लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर शनि बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, एक एडवांटेज देते हैं। यदि व्यक्ति को शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है और उसमें यदि व्यक्ति बिजनेस सेटल करना चाहता है तो बिल्कुल आसानी से व्यक्ति बिजनेस सेटल कर पाता है, और यदि नौकरी करना चाहता है तो आसानी से नौकरी लग जाती है और बहुत अच्छी नौकरी लगती है। और साथ ही साथ यदि बिजनेस या नौकरी कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है, तो उसमें भी उसे उन्नति मिलती जाती है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। जब शनि अपनी दृष्टि बारहवें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की जो यात्राएँ होती है से व्यक्ति को लाभ मिलता है और व्यक्ति के फिजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं होते, और यदि खर्च होते भी तो एक इन्वेस्टमेंट के रूप में वो खर्च होते हैं, जिसका उसे रिटर्न बाद में जरूर मिल जाता है। जब शनि अपनी दृष्टि चौथे भाव में डालते हैं तो व्यक्ति के माता से भी संबंध अच्छे रहते हैं, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है शनि की महादशा अंतर्दशा में। साथ ही साथ व्यक्ति यदि भूमि, मकान खरीदना चाहता है, वाहन खरीदना चाहता है, तो बिल्कुल आसानी से खरीद लेता है। जब शनि अपनी दृष्टि सातवें घर में डालते हैं तो व्यक्ति के जीवन साथी से संबंध और भी मधुर होते जाते हैं और व्यक्ति को पार्टनरशिप से बहुत फायदा मिलता है।
जब शनि दसवें घर में चार नंबर या कर्क राशि के साथ होते हैं तो तुला लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर भी शनि बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं, एक एडवांटेज देते हैं। यदि व्यक्ति शनि की महादशा अंतरदशा में अपना बिजनेस सेटल करना चाहता है तो बिल्कुल आसानी से हो जाता है और बिजनेस आगे बढ़ता जाता है शनि की महादशा अंतरदशा में। यदि व्यक्ति नौकरी लगना चाहता है तो बिल्कुल आसानी से लग जाता है, नौकरी में भी आगे बढ़ता रहता है। यदि ऑलरेडी बिजनेस सेटल्ड है या नौकरी करता है तो उसमें भी उसे उन्नति मिलती जाती है। जब शनि अपनी दृष्टि बारहवें घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी व्यक्ति की जो भी यात्राएं होती है उससे व्यक्ति को लाभ मिलता है, जो भी व्यय होते हैं वो इन्वेस्टमेंट में बदल जाते हैं और व्यक्ति को उससे रिटर्न मिलता है। जब शनि अपनी दृष्टि दसवें घर में डालते हैं तो माता से व्यक्ति के संबंध अच्छे रहते हैं, साथ ही साथ माता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। व्यक्ति यदि भूमि मकान या वाहन खरीदना चाहता है शनि की महादशा अंतरदशा में तो आसानी से खरीद पाता है और उससे उसको लाभ भी मिलता है। जब शनि अपनी दृष्टि सातवें घर में डालते हैं तो जीवन साथी से व्यक्ति के संबंध और भी मधुर होते हैं। पार्टनरशिप के लिए ये जो शनि की महादशा अंतरदशा का पीरियड रहता है ये बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों जब शनि दसवें घर में पांच नंबर या सिंह राशि के साथ होते हैं तो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर एक नेगेटिव इफेक्ट देते हैं क्योंकि ये शनि की शत्रु राशि होती है। पांच नंबर जो होता है वो सिंह राशि का होता है और सिंह राशि के स्वामी जो होते हैं सूर्य होते हैं। सूर्य और शनि में शत्रुता है, इस कारण यहाँ पर शनि अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। व्यक्ति यदि कामकाज यदि शनि की महादशा अंतरदशा में कामकाज सेटल करना चाहता है, व्यवसाय सेटल करना चाहता है, नौकरी लगना चाहता है या नौकरी ऑलरेडी करता है तो उसमें उन्नति चाहता है तो शनि की महादशा अंतरदशा में कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी आएंगी। जब शनि अपनी दृष्टि बारहवें भाव में डालेंगे तो यहाँ पर भी व्यक्ति का फिजूल का व्यय होता रहेगा, फिजूल का खर्च होता रहेगा, साथ ही साथ फिजूल की यात्राएं भी होती रहेगी। जब शनि अपनी दृष्टि चौथे भाव में डालेंगे जो कि माता भूमि गाड़ी वाहन का भाव होता है तो यहाँ पर एक एडवांटेज देंगे, माता से व्यक्ति के संबंध अच्छे होंगे, साथ ही साथ व्यक्ति भूमि मकान वाहन शनि की महादशा अंतरदशा में खरीद लेगा। जब शनि अपनी दृष्टि सातवें घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, व्यक्ति के जीवन साथी से संबंध मधुर होंगे, साथ ही साथ पार्टनरशिप को लेकर भी व्यक्ति को एक एडवांटेज मिलेगा शनि की महादशा या अंतरदशा में। जब शनि दसवें घर में छह नंबर या फिर कन्या राशि के साथ होंगे तो ये धनु लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर शनि मारक ग्रह माने जाते हैं तो यहाँ पर भी शनि बिल्कुल भी अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। व्यक्ति यदि कामकाज सेटल करना चाहता है, यदि ऑलरेडी कामकाज कर रहा है उसमें उन्नति चाहता है तो बिल्कुल भी व्यक्ति की उन्नति नहीं होगी शनि की महादशा अंतरदशा में। बिजनेस सेटल करना चाहता है तो बिजनेस सेटल नहीं हो पाएगा अच्छे से या फिर उसमें देरी होगी, नौकरी लगना चाहता है तो उसमें देरी होगी। जब शनि अपनी दृष्टि बारहवें भाव में डालेंगे तो व्यर्थ का फिजूल का खर्च भी बढ़ेगा और फिजूल की यात्रा भी व्यक्ति की होती रहेंगी। जब शनि अपनी दृष्टि दसवें घर में डालेंगे तो यहाँ पर भी माता से या तो व्यक्ति के संबंध खराब रहेंगे या माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा। यदि व्यक्ति शनि की महादशा अंतरदशा में भूमि मकान गाड़ी वाहन खरीदना चाहता है तो उसमें भी डिले होता जाएगा। जब शनि अपनी दृष्टि सातवें घर में डालेंगे तो जीवन साथी से संबंध में भी व्यक्ति के कुछ ना कुछ मनमुटाव चलते रहेंगे शनि की महादशा अंतरदशा में। पार्टनरशिप को भी लेकर व्यक्ति को निराशा ही हाथ लगेगी शनि की महादशा या अंतरदशा में। दोस्तों जब शनि दसवें घर में सात नंबर या तुला राशि के साथ होते हैं तो मकर लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर शनि उच्च के हो जाते हैं और बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। यदि व्यक्ति व्यवसाय करना चाहता है, यदि व्यक्ति नौकरी लगना चाहता है तो बिल्कुल आसानी से सेटल हो जाता है और बिल्कुल उन्नति मिलते जाती है व्यक्ति को शनि की महादशा या अंतरदशा में। जब शनि अपनी दृष्टि बारहवें घर में डालते हैं तो बिल्कुल भी फिजूल के व्यय नहीं होते, साथ ही साथ जो भी यात्राएं होती है उससे व्यक्ति को एक एडवांटेज मिलता है, कुछ ना कुछ फायदा मिलता है। जब शनि अपनी दृष्टि चौथे घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी माता से व्यक्ति के संबंध अच्छे होते हैं, साथ ही साथ व्यक्ति शनि की महादशा अंतरदशा में भूमि मकान या वाहन आसानी से खरीद पाता है। जब शनि अपनी दृष्टि सातवें घर में डालते हैं तो व्यक्ति के जीवन साथी से संबंध और भी मधुर होते हैं। यदि व्यक्ति विवाह का इच्छुक है तो शनि की महादशा अंतरदशा में व्यक्ति का विवाह हो जाता है और पार्टनरशिप को लेकर के भी यहां पर व्यक्ति को शनि की महादशा अंतरदशा में एक एडवांटेज मिलता है। दोस्तों जब शनि दसवें घर में आठ नंबर या वृश्चिक राशि के साथ होते हैं तो कुंभ लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर भी शनि बहुत अच्छा फल देते हैं, बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। यदि व्यक्ति व्यवसाय या नौकरी में लगना चाहता है, व्यवसाय सेटल करना चाहता है तो शनि की महादशा अंतरदशा में बिल्कुल आसानी से कर लेता है और व्यक्ति के उन्नति के योग बने रहते हैं। यदि व्यक्ति ऑलरेडी व्यवसाय कर रहा है, ऑलरेडी नौकरी कर रहा है तो उसमें भी उसके उन्नति के योग बने रहते हैं शनि की महादशा या अंतरदशा में। जब शनि अपनी दृष्टि बारहवें घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी व्यक्ति के व्यय का तो कोई सवाल नहीं होता, व्यक्ति यदि यात्राएं करता है तो उसमें भी उसे कुछ ना कुछ फायदा मिलता है। जब शनि अपनी दृष्टि चौथे घर में डालते हैं तो व्यक्ति के माता से संबंध और भी मधुर होते हैं, माता का स्वास्थ्य और अच्छा होता है, साथ ही साथ व्यक्ति यदि मकान खरीदना चाहता है, भूमि खरीदना चाहता है, वाहन खरीदना चाहता है तो शनि की महादशा अंतरदशा में आसानी से खरीद लेता है। जब शनि अपनी दृष्टि सातवें घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी व्यक्ति के जीवन साथी से संबंध और भी मधुर होते हैं। यदि व्यक्ति विवाह का इच्छुक है तो शनि की महादशा अंतरदशा में व्यक्ति का विवाह जल्दी से आसानी से हो जाता है। व्यक्ति
की पार्टनरशिप को लेकर, यदि व्यक्ति व्यवसाय में और पार्टनरशिप को लेकर के भी यहाँ पर एक एडवांटेज ही मिलता है शनि की महादशा या अंतरदशा में। दोस्तों जब शनि दसवें घर में नौ नंबर या धनु राशि के साथ होते हैं तो ये मीन लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर शनि प्रॉब्लम देते हैं, यहाँ पर शनि बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं देते। यदि व्यक्ति शनि की महादशा अंतरदशा में नौकरी करना चाहता है, व्यवसाय अपना सेटल करना चाहता है या ऑलरेडी करता है तो उसमें उन्नति पाना चाहता है तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी चलती रहती है या तो डिले होता जाता है। जब शनि अपनी दृष्टि बारहवें घर में डालते हैं तो व्यक्ति का फिजूल का खर्च और फिजूल की यात्राएं होती रहती है। जब शनि अपनी दृष्टि चौथे घर में डालते हैं तो या तो माता का स्वास्थ्य खराब रहता है या माता से व्यक्ति के संबंध खराब रहते हैं। यदि व्यक्ति मकान खरीदना चाहता है, भूमि खरीदना चाहता है, वाहन खरीदना चाहता है तो शनि की महादशा अंतरदशा में इसमें डीले होता है या कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी आती है। जब शनि अपनी दृष्टि सातवें घर में डालते हैं तो जीवन साथी से भी जो संबंध होते हैं व्यक्ति के थोड़े से बिगड़ते जाते हैं, थोड़ा सा खटास चलती रहती है शनि की महादशा अंतरदशा में। पार्टनरशिप को लेकर के भी यह जो समय है शनि की महादशा अंतरदशा का ये अच्छा नहीं होता। दोस्तों जब शनि दसवें घर में दस नंबर या मकर राशि के साथ होते हैं तो ये मेष लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर दसवें घर से रिलेटेड शनि बिल्कुल एडवांटेज देते हैं। यदि व्यक्ति नौकरी लगना चाहता है, यदि व्यवसाय को सेटल करना चाहता है या फिर ऑलरेडी व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है या नौकरी कर रहा है तो शनि की महादशा अंतरदशा में उसमें उन्नति मिलती जाती है तो ओवरऑल यहाँ पर एक एडवांटेज मिलता है दसवें घर से रिलेटेड। लेकिन जब शनि अपनी दृष्टि बारहवें घर में डालते हैं तो फिजूल के व्यय व्यक्ति के बने रहते हैं, फिजूल की यात्रा व्यक्ति की होती रहती है। जब शनि अपनी दृष्टि चौथे घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी एक डिसएडवांटेज मिलता है, माता से हो सकता है व्यक्ति का मनमुटाव हो शनि की महादशा अंतरदशा में। साथ ही साथ यदि व्यक्ति भूमि मकान या वाहन खरीदना चाहता है तो शनि की महादशा या अंतरदशा में ये डिले होता जाता है। लेकिन जब शनि अपनी दृष्टि सातवें घर में डालते हैं तो यहां पर पॉजिटिव हो जाते हैं, एक एडवांटेज देते हैं शनि का। व्यक्ति का अपनी जीवन साथी से संबंध और भी मधुर होते हैं, पार्टनरशिप को लेकर के व्यक्ति को एडवांटेज मिलता है। यदि व्यक्ति शनि की महादशा अंतरदशा में विवाह करना चाहता है तो यहां पर भी एक एडवांटेज मिलता है और व्यक्ति का विवाह आसानी से हो जाता है। तो जब शनि दसवें घर में 11 नंबर या कुंभ राशि के साथ होते हैं तो ये वृषभ लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर बहुत एडवांटेज मिलता है हर घर से रिलेटेड। यदि व्यक्ति शनि की महादशा अंतरदशा में अपना व्यवसाय सेटल करना चाहता है, यदि नौकरी लगना चाहता है, यदि ऑलरेडी नौकरी कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है और उसमें उन्नति चाहता है तो शनि की महादशा अंतरदशा में बिल्कुल व्यक्ति की उन्नति होती जाती है। जब शनि अपनी दृष्टि बारहवें घर में डालते हैं तो व्यक्ति का व्यय का सवाल नहीं उठता, यदि व्यक्ति यात्राएं करता है तो उसमें भी उसे कुछ ना कुछ फायदा मिलता है यात्राओं से। जब शनि अपनी दृष्टि चौथे भाव में डालते हैं तो व्यक्ति के माता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, माता से व्यक्ति के संबंध अच्छे रहते हैं, व्यक्ति माता की रिस्पेक्ट करने वाला होता है। साथ ही साथ यदि व्यक्ति मकान भूमि वाहन खरीदना चाहता है तो शनि महादशा अंतरदशा का पीरियड जो होता है वो बहुत अच्छा होता है व्यक्ति के लिए। जब शनि अपनी दृष्टि सातवें घर में डालते हैं तो यहां पर भी पॉजिटिव हो जाते हैं, व्यक्ति के अपने जीवन साथी संबंध और भी मधुर होते हैं। साथ ही साथ पार्टनरशिप को लेकर के ये समय बहुत अच्छा होता है। यदि व्यक्ति विवाह का इच्छुक है तो व्यक्ति का विवाह शनि की महादशा अंतरदशा में आसानी से हो जाता है। जब शनि दसवें घर में 12 नंबर या मीन राशि के साथ होते हैं तो ये मिथुन लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर भी शनि बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं, एक एडवांटेज मिलता है। शनि यदि व्यक्ति नौकरी या व्यवसाय सेटल करना चाहता है, यदि नौकरी लगना चाहता है, यदि ऑलरेडी नौकरी कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, उसमें उन्नति चाहता है तो बिल्कुल शनि की महादशा अंतरदशा में व्यक्ति की उन्नति होती जाती है। जब शनि अपनी दृष्टि बारहवें घर में डालते हैं तो व्यय फिजूल के व्यय का तो सवाल नहीं उठता, जब व्यक्ति यात्राएं करता है तो उससे उसको फायदा भी मिलता है शनि की महादशा या दशा में। जब शनि अपनी दृष्टि चौथे घर में डालते हैं तो माता से व्यक्ति के संबंध अच्छे होते हैं, माता की व्यक्ति रिस्पेक्ट करने वाला होता है और माता का स्वास्थ्य अच्छा होता है। यदि व्यक्ति भूमि वाहन मकान खरीदना चाहता है तो व्यक्ति आसानी से शनि की महादशा अंतरदशा में खरीद पाता है। जब शनि अपनी दृष्टि चौथे घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी एडवांटेज, व्यक्ति के अपने पत्नी या पति से जीवन साथी से संबंध और भी मधुर होते हैं। पार्टनरशिप को लेकर के ये समय जो होता है शनि की महादशा अंतरदशा का बहुत अच्छा समय होता है। यदि व्यक्ति विवाह का इच्छुक है तो बिल्कुल आसानी से विवाह हो जाता है व्यक्ति का। चलिए दोस्तों आपने वीडियो देखे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप अपनी कुंडली खुद पढ़ना चाहते हैं बिना किसी की मदद के तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाकर आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीख सकते हैं, जहाँ पर समय समय पर हम वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों यदि आप रेगुलर अपना राशिफल जानना चाहते हैं, यदि आप एस्ट्रोलॉजी के अपडेट जानना चाहते हैं जैसे कि शनि साढ़े साथी या ग्रहों के गोचर या सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, तो भी दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।